अन्न बंडल बोलेंगे खूब छपेगा, और अगर किसी के खिलाफ बोलेंगे खास करके मेरे खिलाफ होंगे तो पब्लिसिटी मिलती है, तो लोग पब्लिसिटी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पुष्प अर्पित किए हैं उनके चित्र पर, और लोगों को ये कहा है कि उनके चरित्र से कुछ सीखना चाहिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर से कुछ सीखना चाहिए। वहीं उन्होंने इशारों ही इशारों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया है। कुछ लोग तो सिर्फ बोलते रहते हैं, खास करके अगर हमको लेकर बोलते हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल सके तो काफ़ी अच्छा है, उनको बधाई भी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, जरा सुनिए। कि अब जो एक नया दौर आया है, बार बार कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया जो आया है ना, एकदम एंटी सोशल इसमें काम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब है यहाँ सोशल करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसमें एंटी सोशल काम करते हैं। अनाप शनाप लिखना, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, कैसी भाषा का प्रयोग, कितने गंदी चीजों को दिखाना, अब ये तो काम है लोगों का विभिन्न स्तर पर इन सब चीजों को देखना कि लोगों को प्रेरित करें। अरे जब तक मन में सकारात्मक रूप नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सकारात्मक रूप बनता है, अब आप देख रहे हैं इस बार तो कोरोना का भी बहुत चला, तो इसमें स्कूल बंद, सब चीज बंद, तो कम उम्र के बच्चे बच्चों को भी उसी पर, अब धीरे धीरे क्या होगा, क्या उसके चलते लोग अपने परिवार के भी माता पिता का भी ध्यान नहीं देते, वरना देखिए क्या होता है, घर से निकल पाते थे शाम होते, लेकिन जो कम उम्र के बच्चों को क्या मालूम, सड़कें नहीं थी, क्या बुरा हाल था, तो इन सब चीजों को उनको जानकारी नहीं, जो बाद में जन्म लिए और जो भी हुए किसी ने बताया नहीं। हम तो यही कहेंगे कि भाई एक एक चीज को बताना चाहिए, और शुरू से ही समाज कैसे तरक्की कर रहा है, समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, और एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का भाव रहेगा, सद्भावना का वातावरण रहेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग कुछ हासिल करने के चक्कर में इस तरह का अनाप शनाप काम करते हैं। लोगों को बता दीजिएगा कल क्या था और आज क्या है, और क्या किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से विकास के लिए काम हुआ है, और किस तरह से समाज के हर तबके का, जरा एक ही फिगर तो बता देते कि कितने लोग मुखिया होते थे पहले, कौन होते थे, अब आजकल कौन कौन हो रहे हैं, उसको बता दीजिए, तब तो लोगों को पता चलेगा कि क्या एहसास हुआ, क्या काम हुआ। तो भाई हम लोग तो सिर्फ सेवा करें और काम करें, तो इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को हमारे साथियों ने जो बताया आप सब सुने, एक एक चीज को ध्यान में रखते और हम लोग जितनी बात करते रहते और जो करते रहते इसको लेकर के अगर लोगों के बीच में हमेशा विमर्श करते रहिएगा, बातचीत करते रहिएगा, लोगों को बताइएगा, एक तो लोगों की जानकारी मिलती है और दूसरा कितना लाभ है। अगर कोई व्यक्ति कोई बात करता है बहुत ज्यादा संभावना है क्या होना चाहिए इसकी भी जानकारी, और अगर कोई काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी भी जानकारी, तो सब लोग मिलिएगा, लगिएगा तभी बेहतर काम होगा, छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। खाली ये मत सोच लीजिए कि हम ही लोगों का काम है, हम तो जितना मेहनत है करते ही रहते हैं, लेकिन सब आदमी ठीक करेंगे, ये होता है कोई संभव, आदमी का स्वभाव नहीं होता है, ये तो देन है, देख नहीं रहे किस किस तरह का मानसिकता का रोग होता है, तो किसी को काम भी मिला हुआ है, सरकारी सेवा में भी है, तो सब पूरा ठीक से काम कर देगा, लेकिन अगर आप देखिएगा और गलतियों की जानकारी मिलती रहेगी और उस पर नजर रखिएगा, उसको बाहर करना पड़ेगा, तो आप समझिए लोग समझेंगे तभी, तो एक एक चीज जो है और क्या किया साहब लोगों ने, इतनी सेवा की है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इन तमाम लोगों का, चाहे बापू हो, लोहिया जी हो, जेपी हो, अम्बेडकर साहब, सबसे ये प्रभावित थे और इन्होंने काम किया, और हम लोग बाकी सब लोगों से पांचों से प्रभावित थे और लोगों की सेवा करने का।
आप सबको आए आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर आपके उनके प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करने के लिए आए हैं, तो मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मिल करके एकजुट होकर काम कीजिए और समाज में कभी झगड़ा मत पैदा करें, समाज में प्रेम का उस लोग झगड़ा पैदा करें। उस लोगों की आदत आजकल क्या करते रहते हैं, दिखते हैं करते रहता है, करने दीजिए। बहुत लोगों की आदत है अंड बंड बोलेंगे खूब छपेगा, और अगर किसी के खिलाफ बोलेंगे खास करके मेरे खिलाफ होंगे तो पब्लिसिटी मिलती है, तो लोग पब्लिसिटी ही नहीं। कोई भी अनाप शनाप बोलता बोलो अनाप शनाप, हमको कोई देना देना नहीं, तुमको हमारे खिलाफ बोलने से तुमको फायदा है भाई, हम आपको शुभकामना देते हैं। तो आपने सुना, एक तरफ जहां सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए, सोशल मीडिया के सदुपयोग पर ध्यान देना चाहिए ताकि उससे अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर या कह सकें पूरे विपक्षी कुनबे पर नीतीश कुमार हमलावर थे कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ लिखते रहते हैं, उन्हें उनसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल आप लाइफसीज पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइफसीज को फॉलो करें। धन्यवाद।